हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्यूब एंड क्यूब रूट। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्यूब के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट इज़ द रिवर्सिंग प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्यूब। तो क्यूब रूट इज ए रिवर्सिंग रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्यूब। फॉर एग्जाम्पल, क्यूब ऑफ टू इज एट। तो हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ एट इज टू फ्रॉम डेफिनेशन, क्योंकि क्यूब ऑफ टू इज एट। तो क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्यूब। तो 8 का क्यूब रूट जो होगा वो होगा 2। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल, क्यूब ऑफ 1 इज 1। तो क्यूब रूट ऑफ 1 कितना होगा? 1 होगा। क्यूब ऑफ 2 8 है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 जो होगा वो होगा 2। क्यूब ऑफ 3 27, तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। क्यूब ऑफ 4 इज 64, तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। क्यूब ऑफ 5 इज 125, तो क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। क्यूब ऑफ 6 इज 216, क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। क्यूब ऑफ 7 इज 343, क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7। क्यूब ऑफ 512, क्यूब ऑफ 8 इज 512, क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। क्यूब ऑफ 9 इज 729, क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। क्यूब ऑफ 10 इज 1001000, क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड। तो डिटरमाइन क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टर मेथड। जैसे कि क्वेश्चन में है 1728 का हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड से। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2 0, 8, 2 5 10, 2 4 8, 27, 3 9 27, 3 3 9, एंड 3 1 3। तो आफ्टर रिजॉल्विंग हमारे पास आया 1728 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। ग्रुपिंग द फैक्टर इन ट्रिपल्स ऑफ इक्वल फैक्टर वी गेट 1728 इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 2 into क्यूब ऑफ 2 into क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 होल पावर में 3। 1728, तो 1728 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा क्यूब ऑफ 12। तो क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12 आफ्टर टेकिंग
क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर मेथड से क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। हमारा सेकंड मेथड है अब हम करते हैं सेकंड मेथड सॉल्व। सेकंड मेथड क्या है? क्यूब रूट ऑफ ए परफेक्ट क्यूब बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1715616 यूजिंग ऑब्जर्वेशन मेथड या एस्टिमेशन मेथड भी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप फर्स्ट जो होगा वो होगा, सबसे पहले हम 1715616 को 33 डिजिट्स के ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 33 डिजिट के दो ग्रुप मिल रहे हैं। फ्रॉम राइट साइड से इसका नाम देंगे हम फर्स्ट ग्रुप और इसका नाम देंगे सेकंड ग्रुप। अगर हमारा आ जाता 4516 यानी कि 4 डिजिट का अगर क्यूब रूट पूछता, या 125 3 डिजिट का अगर क्यूब रूट पूछता, अगर 4 डिजिट का पूछता तो हम 33 के जो है ग्रुप्स इस तरीके से बनाते कि आगे यहाँ पर हम दो जीरो और लगा देते। इस तरीके से फर्स्ट ग्रुप हो जाता 516 एंड सेकंड ग्रुप हो जाता 004। तो स्टेप फर्स्ट है, सबसे पहले दो ग्रुप में डिवाइड किया 33 डिजिट के। पहला ग्रुप होगा 616 एंड सेकंड ग्रुप होगा 1715। स्टेप सेकंड है वी गेट 616 यानी कि फर्स्ट ग्रुप में हम देखते हैं वी गेट 6 एज द यूनिट डिजिट। ऑफ क्यूब रूट बिकॉज द लास्ट डिजिट ऑफ 616 इज 6। तो क्यूब ऑफ 6 इज 216। देयरफॉर 6 विल बी द यूनिट डिजिट। मींस हमें पता है क्यूब ऑफ सिक्स जो होता है वो हमने पढ़ा था 216। और यहाँ पर देखने से मिल रहा है फर्स्ट ग्रुप में जो यूनिट डिजिट है वो 6 है, और क्यूब ऑफ 6 की जो लास्ट डिजिट यानी कि वो क्या है हमारी 6 है। तो इसलिए इस क्यूब रूट की जो यूनिट डिजिट होगी, इस क्यूब रूट की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी 6। 6 विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्यूब रूट। देन स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में सेकंड ग्रुप लेते हैं, हमारा 175 सेकंड ग्रुप है, और हमने देखा कि जो 175 है वो आता है 5 के क्यूब और 6 के क्यूब से पहले के बीच में। तो 5 का क्यूब होता है हमारा 125, 6 का क्यूब होता है 216, और ये जो 175 यानी सेकंड ग्रुप है वो इन दोनों के बीच में आता है, इसलिए हम सेकंड प्लेस पे हम 5 लेते हैं। तो 5 क्यूब जो है 175 जो है वो 5 का क्यूब एंड 6 का क्यूब इन दोनों के बीच में आता है, इसलिए सेकंड प्लेस डिजिट विल बी 5, 10।
175616 का क्यूब रूट होगा 56। ओके, थैंक यू।